जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी। ये मैं गाजर को धो के अच्छी तरह से रख ली हूँ। बहुत जन दिखाते हैं कि इसका ये ऊपर स्किप करते हैं, मैं ये स्किप नहीं करती हूँ, इसके साथ ही बनाती हूँ इसको कद्दूकस। ये इसका जो है ड्राई फ्रूट है, दो छुहारा दी हूँ, थोड़ा काजू है और बादाम है, नारियल है और ये खोआ है, और साथ में ये मैं चार जो है इलायची जो है उसको कूट के रखी हूँ। तो इसको अभी क्या करती हूँ वो मैं बताती हूँ, आप बने रहिए। ये देखिए, ये दूध में 1 लीटर फुल टोन था, उसको मैं गाढ़ा करने के लिए अभी गैस पे चढ़ा रखी हूँ। और गाजर बताई हूँ मैं, तब तक मैं गाजर को कद्दूकस कर लूंगी। और इसमें करना क्या है, इसको आप दूध पहले चढ़ा लेना, जो दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। खोआ तो डाल ही रही हूँ, ज़्यादा दूध नहीं देना। आप 1 किलो गाजर में 1/2 लीटर फुल टोन भी दे सकते हो। और ये मैं बताई थी आपको, ये इलायची है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसका सारा अरोमा जो इसके साथ पक के इसमें बिल्कुल आ जाएगा, जो कि आपके हलवे में अच्छी तरह से टेस्ट आएगा। ये अभी मैं पकाऊंगी, तब तक मैं गाजर को खींच लूँ, ड्राई फ्रूट को कट करके, फिर आगे मिलती हूँ आपसे, आप बने रहिए। ये देखिए फ्रेंड, ये मैं कढ़ाई में थोड़ा सा 2 चम्मच जो है घी दे के ये की हूँ, और ये मैं खींच ली हूँ ये कद्दू, ये इसको ऐसे खींच ली हूँ। अभी इसको करना क्या है, इसको मैं इसका जो पानी है उसको निचोड़ दूंगी, और उस पानी को आप चाहो तो बच्चे को दे दो पीने के लिए, आप खुद भी पी लो, जूस जूस जैसा हो जाएगा। 1 पन 2 काजू इसका पानी थोड़ा निचोड़ दोगे तो बहुत ही। इसको मैं ऐसे हाथ से दबा के ऐसे करके इसको अच्छे से ये इसमें डाल दूँ। इसको जो है थोड़ी देर इसको मैं घी में इसको फ्राई करेंगे। इसको कुछ भी नहीं करना है, ये बिल्कुल इजी है। इसको ऐसे लेना है आराम से, इसको दोनों हाथ से इसको, या तो आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो उसमें भी बांध के इसको जो है आप निचोड़ सकते हो, जैसे जैसे आपको सुविधा हो, जैसे अच्छा लगे। और अभी इसको मैं अब जो है आराम से इसको थोड़ा स्लोली स्लोली इसको मैं थोड़ी देर, बस 3 से 4 मिनट इसको थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है इसको, थोड़ा सा इसको आप बने रहिए। इधर दूध मेरा पकड़ा है, अभी खोआ बन रहा है। ये देखिए, ये इधर दूध चढ़ा रखी हूँ, खोआ बना रही हूँ इसको, इसमें डालने के लिए दूध गाढ़ा हो चुका है अभी। और जब तक ये मेरा भुज जाएगा फिर वो भी रेडी हो जाएगा, आप बने रहिए। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा ये भुज गया है। अभी इसको मैं स्टोव से नीचे उतार लेती हूँ, और ये दूध जो मेरा है ये गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। तो अभी इसमें जो है मैं, इतना गाढ़ा काफ़ी है। अभी ये जो मैं गाजर को घी में फ्राई की हूँ, इसको मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। इसके साथ इसको खूब अच्छी तरह से इसको पकाऊंगी। और ये गाजर आप बना लो तो 1 हफ्ते तक इसको स्टोर करके रखो फ्रिज में अच्छे से। और अभी तो मौसम ठंडी का है, तो आप फ्रिज में ना भी स्टोर करो तो भी आपका जो है ये रह जाएगा। अभी घी इसमें थोड़ा डाला जाता है, इसलिए घी से क्या होता है, ख़राब नहीं होता है। घी में थोड़ा इसको फ्राई कर दोगे, इससे ख़राब नहीं होगा इसका टेस्ट। इसको मैं अभी इसको हाई फ्लेम पर ही इसको अभी मैं पकाऊँगी। ये जितना भी इसमें थोड़ा भी ये दूध जो है ये सारा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने आप में ले लेगा ये गाजर पक के सारा, तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। फिर ड्राई फ्रूट है, खोआ है और चीनी है, वो कब डालना है वो भी मैं बताऊंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए फ्रेंड, ये जो है ये मेरा पक गया है, और ये साइड में जो थोड़ा सा लग गया है इसको साफ कर लेना है अच्छी तरह से इसको, नहीं तो ये चिपका ही रह जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं। ये देखिए, ये पूरा पूरा ड्राई ड्राई हो गया है। अभी इसमें क्या करना है, अब ये खोआ जो है, इस खोए को मैं इसमें अब डाल देती हूँ। थोड़ा ये गाढ़ सा है, ये मिल जाएगा सारा इसमें पक के, इसको मिल जाएगा। इसके साथ इसको इधर इलायची तो मैं पहले डाल चुकी हूँ दूध जब गाढ़ा कर रही थी उस समय,
उससे क्या होता है, मैं पहले बताई कि सारा इलायची का फ्लेवर जो है वो दूध में अच्छी तरह से आ जाता है, फिर वो हलवे में भी आ जाता है। ये ड्राई फ्रूट था जो काजू किशमिश चौर बादाम जो भी है वो आप इसमें वो भी इसके साथ डाल दो। ये भी डाल दी होगी मैं इसको, तो मिला के इसको अच्छी तरह से पका रही हूँ। और चीनी जो है इसका सबसे लास्ट में डालना है, इसको थोड़ी देर और पका लेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए फ्रेंड, ये मेरा पूरा जैसा मैं बोली कि सारा सूख जाए, फिर ठंडा होने पे थोड़ा और भी टाइट हो जाएगा, क्योंकि वो अपने रूम टेम्परेचर पर आ जाने से फिर ये जो है ये हो गया। और ये शुगर है, चीनी है, आप जितना मीठा खाते हो, तो मैं अंदाजतन, मैं इसका कोई माप नहीं, अंदाज से बता रही हूँ कि मैं थोड़ा, हमारे घर में थोड़ा कम मीठा ही सब खाते हैं, तो इसलिए मैं चीनी थोड़ा कम ही डाली हूँ। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, ज़्यादा मीठा अगर खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा शुगर चीनी डाल दो, अगर कम है तो थोड़ा कम ही चीनी खाना चाहिए, ज़्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। ये देखिए मेरा गाजर का हलवा टेस्टी गर्मा गर्म बन के तैयार हो गया खाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा हलवा रेडी हो गया, ये सब मैं बताई, ये रूम टेम्परेचर पे जो है ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और ये लीजिए खाने के लिए गर्मा गर्म हलवा रेडी है, थोड़ा ये ठंडा होगा फिर बिल्कुल और भी अच्छा हो जाएगा। ये लीजिए आप लोग गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने के लिए तैयार हो गया।